तो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक नए फ्रेश वीडियो में। तो मैं सीधा आता हूँ मुद्दे पे। ये व्लॉग है कल का, पर मैं अभी शूट कर रहा हूँ रात को। रात को क्यों शूट कर रहा हूँ? बिकॉज मैं कल जल्दी जाने वाला हूँ, तो मुझे सुबह टाइम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए अभी शूट कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ही लेके आया हूँ, और मैं कल खुद वहाँ जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ? मुकेश छाबरा प्रोडक्शन हाउस, आपको सबको पता होगा, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। तो वहाँ पे क्या चल रहा है, 7 मार्च से लेके 12 मार्च तक, मतलब मंडे से सैटरडे तक वहाँ पे चल रहा है इंट्रो का ऑडिशन। अगर आप भी जाना चाहते हो इंट्रो ऑडिशन के लिए, तो ये वीडियो पूरा देखना। आप स्क्रीन पे ये फोटो देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, मंडे से सैटरडे आराम नगर वर्सोवा में सुबह 11 से शाम को 5 बजे तक ऑडिशन चालू है। मंडे से सैटरडे 7 मार्च से लेके 12 मार्च तक अगर आप ऑडिशन देना चाहते हो तो आप जा भी सकते हो। और मैं आपको बात बता देता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ कल वेनसडे को, ठीक है? ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ मंगलवार को, और जा रहा हूँ मैं कल वेनसडे को। तो ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा गुरुवार को अपलोड करने की, ठीक है? तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैं स्किप कर देता हूँ। देखो यार, स्किप मत करो, बिकॉज कल मैं खुद मुकेश छाबरा के प्रोडक्शन हाउस में, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे मैं खुद जाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो देने के लिए। देखो, अभी आपको बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन पड़ रहा है कि यार सिर्फ इंट्रो ही क्यों, ऑडिशन क्यों नहीं होगा? तो देखो यार, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस अभी ऐसे है जो सिर्फ इंट्रो लेके रखते हैं और उनका डेटाबेस में वो सेव करते हैं। इंट्रो क्यों लेते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखो, आपके एक इंट्रोडक्शन वीडियो से उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाते हैं, आपका कैरेक्टर, आप किस कैरेक्टर में फिट बैठते हो, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका बोलने का तरीका क्या है। तो ये सब चीज़ें आपके इंट्रो के वजह से उनको पता चलती है। जो इंट्रो आप दोगे, अगर उनको आपका इंट्रो पसंद आता है, तो वो क्या करते हैं, अपना डेटाबेस में आपका इंट्रो सेव कर देंगे, और जब भी आपके फेसिंग के हिसाब से जो भी कैरेक्टर आएगा, तभी वो आपको ऑडिशन के लिए कॉल करेंगे। तो देखो यार, मैं कल वहाँ पे जाने वाला हूँ इंट्रो देने के लिए, विजिट करने वाला हूँ, ठीक है? तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चलेगी। अगर आप सोच रहे होंगे मैं वीडियो स्किप कर दूंगा, देखो स्किप मत करो, अगर आप जाना चाहते हो तो मेरी वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा वहाँ पे कितनी भीड़ है। तो मुझे ऐसा पता चला कि मंडे और आज भी वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग ऑडिशन इंट्रो के लिए आए थे। तो वो चीज़ें आपको मेरी वीडियो के थ्रू कल पता चलेगी, क्या है क्या नहीं है, कितनी भीड़ है कितनी भीड़ नहीं है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख के अगर इंट्रो देने के लिए जाते हो, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होगी, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ वो इंट्रो देने के लिए जाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ इंट्रो दे के आओगे, तो कास्टिंग डायरेक्टर को आप इम्प्रेस कर सकते हो आपके एक मिनट में, ठीक है? तो ये वीडियो पूरा देखना, अभी हुआ है मेरा सोने का टाइम, और मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो गुरुवार को रात को या दोपहर को अपलोड करने की। फिर आपके पास रहता है फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे और फ्राइडे के दिन आप विजिट भी कर सकते हो। अगर आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है आपको पता नहीं चलता है, तो मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो इंट्रो कैसे बनाना है, कैसे देना है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा बताने की कैसे आपको इंट्रो देना है अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है? देखो, मैं कल अगर व्लॉग बना रहा हूँ तो मैं ज़्यादा फोकस करूंगा मेरे इंट्रो पे, मैं व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं करूंगा कल पर। जो जो मुझे लगता है शूट करना चाहिए वो मैं शूट करके इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है? बिकॉज क्या है, मैं अगर व्लॉग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा तो मैं मेरा इंट्रो भूल भी सकता हूँ, फिर कास्टिंग डायरेक्टर के सामने मेरा इम्प्रेशन डाउन पड़ जाएगा। ये व्लॉग पूरा देखना को, बिकॉज इस व्लॉग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, मुकेश छाबरा प्रोडक्शन हाउस कैसा है, कितने सारे पब्लिक इंट्रो के लिए आती है, बहुत सारे लोग इंट्रो देंगे, उसमें से आपका सिलेक्शन होगा, आपका कॉल आएगा नहीं आएगा, ये सब चीज़ें मुझे कल ही पता चलेगी, बिकॉज मैं कल वहाँ फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इंट्रो देने के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वर्सोवा आराम नगर। सुबह आपको तो पता है बहुत भीड़ होती है, और 11 बजे का टाइम है, हम 10 बजे पहुंच चुके हैं आराम नगर, ठीक है? अगर आपको भी आना है इंट्रो ऑडिशन के लिए तो आप भी जल्दी आ जाना, और अगर आपको अंधेरी स्टेशन से आना है तो आपको 251 बस पकड़नी है, 251 बस वर्सोवा आराम नगर आती है, ठीक है? तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। अभी हम जा रहे हैं आराम नगर लोकेशन पे ऑडिशन के लिए, और आगे का क्या प्रोसेस है आपको मेरे वीडियो के थ्रू पता चलेगा।
तो आपने देखा कितनी लाइन है, फिर भी 11 नहीं बज चुके अभी तक, 10:30 ही बज चुके हैं, तो भी इतनी लाइन है, तो और लाइन बढ़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंट्रो देने के लिए, तो ओसामा भाई आपको कुछ बोलेंगे। ये ओसामा और ये है आर्यन, तो हम एक ही एकेडमी से एक्टिंग कोर्स कंप्लीट किया है अनफॉर्चुनेटली, और अभी इंट्रो के लिए आए हैं, तो देखते हैं। बोलो यार कुछ अभी ये कुछ आपको टीम। मैं यही बोल रहा था, हम लोग इतने जल्दी आए तो भी देखो कितना पीछे, अगर 11 बजे आते तो क्या हाल होता था यार। वही है, तो इसीलिए आप भी वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इंट्रो ऑडिशन के लिए आना है तो आपको प्रोसेस पता चलेगी। हम क्योंकि मैंने आपके पहले ऑडिशन दिया है तो आपको प्रोसेस पता चलेगी, कितनी भीड़ है उसके हिसाब से आप टाइम पे पहुंच जाओगे तो आपके लिए वो बेहतर है, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस भी आपको पता चलेगा, स्टे सो। तो फाइनली हमारा इंट्रो ऑडिशन ख़त्म हुआ है और हमें मिले अभी लाइन में रेड राहुल की। तो बोलो कुछ। हम सब यहाँ ऑडिशन देने आए और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप भी आए ऑडिशन दे सिलेक्ट हुए तो सही, नहीं हुए तो फिर मुंह बनाकर घर में सो जाए। लेकिन हिम्मत ना हारे, हाँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो यार बहुत लाइन है यहाँ पे, दिख रही है ये पूरी लाइन है। ये ऑडिशन चलती रहेगी, देखो आप लोग आए ऑडिशन दे सैटरडे तक। राहुल भैया लेट आए, अभी इनको 2 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। हमारा हो गया, हम जा रहे हैं अभी। चलो जाओ, मैं ठीक है हम निकलते हैं फिर, क्या भाई राहुल जल्दी हो जाए। तो फाइनली हम इंट्रो ऑडिशन दे के आए, दिल धक धक कर रहा है, कैमरा भी देख रहे हो आप, थर थर आया, मतलब बहुत ही ये कर रहा है। मतलब क्या होता है, आपके सामने एक बोर्ड देते हैं उसके ऊपर आपको एज वगैरह हाइट वगैरह लिखने पड़ता है, फिर वो कैमरे के सामने लेके खड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर देना है, आपका एज क्या है, आपका आप कहाँ रहते हो, आपने क्या किया है, आपका हॉबी क्या है, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं आपका, सीधा उसको आंसर देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। पर फर्स्ट टाइम हम गए थे लेकिन अच्छा था, इसमें इस बार अच्छा था, पूछा सामने से, हाँ सामने से पूछा, ये अच्छा था और एक्सपीरियंस भी मिला कि कैसे होता है क्या नहीं होता है। तो ठीक है, तो आपको मैंने वीडियो में जो भी है, कितने सारे लोग हैं ऑडिशन देने के लिए, आपको सबको पता चला मेरे वीडियो के थ्रू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और कमेंट में फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो और मेरा जो मैंने आपको मुकेश छाबरा प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया वो आपको कैसा लगा। ज़रूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़रूर करना, शेयर करना। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अभी हम जा रहे हैं घूमने। टाटा बाय बाय, सी यू, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।